स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर है और अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में 8000 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है, इसे बढ़ाकर 12000 से 16000 करने का कार्य किया जा रहा है। निजी अस्पतालों के करीब 17000 बेड चिन्हांकित किए गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसका भी उपयोग किया जाएगा। जो मरीज जितना भी गंभीर है उसे उस हिसाब से इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। छत्तीसगढ़ में कितने बेड लगने वाले हैं सरकार ने फैसला किया और कितने बेड अभी तक लग चुके हैं? बिस्तर करीब 8000 चिन्हांकित हो चुके हैं और इसको बढ़ा के 12 से 16000 सरकारी क्षेत्र में चिन्हांकित करने का काम चल रहा है। ये हो जाएगा, उतना लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे, मुझे इसका विश्वास है। और निजी क्षेत्र से जो 17500 बिस्तर चिन्हांकित हुए थे, आवश्यकता पड़ी तो उनके माध्यम से भी लेंगे। ये जो 12 या 16000 बिस्तरों की व्यवस्था हो जाएगी, ये आइसोलेशन बेड, एचडीयू, आईसीयू और जहां पर वेंटिलेटर है, इन श्रेणियों में वो रहेंगे। ये बात नहीं जाननी चाहिए, ऐसा नहीं गलत सोचना चाहिए कि ये 16000 बिस्तरों में ऑक्सीजन आपको उपलब्ध होगा। तो ऑक्सीजन की व्यवस्था सीमित जगह पे रहेगी, शेष जगह अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो सिलेंडर या किसी जगह से करना पड़ेगा, या जहां ऑक्सीजन युक्त बिस्तर हैं वहां पर मरीजों को ले जाना पड़ेगा। अब जो प्लानिंग रहेगी बढ़ती हुई संख्या के आधार पे कि जो जितने गंभीर स्थिति में हैं उनको वहां पर रखना, अगर आप लक्षण विहीन है, आप असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी आपकी शरीर में वो क्षमता है कि कोरोना का वायरस पहुंच भी गया हो तो आप उसका सामना आपका शरीर कर ले रहा है, वरना लक्षण दिखने लगते हैं। अगर आप कोरोना से लड़ाई में थोड़ा पिछड़ते होंगे तो आपको सर्दी खांसी चालू हो जाएगी, बुखार चालू हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत चालू हो जाएगा, सुनने का क्षमता आपका प्रभावित हो सकता है, लूज मोशंस आपको हो सकते हैं, ये कोरोना के लक्षण हैं। तो अगर आप कोरोना से हार रही है आपका शरीर तो ये लक्षण आने लगते हैं, वरना जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कोरोना के वायरस को दबा लेगा। तो जो लोगों की क्षमता है कि कोरोना के वायरस को दबा लेंगे, कोरोना अगर उन तक पहुंचा भी है तो आगे उनको इलाज की या व्यवस्था की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कोरोना बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा, भले शरीर उनका उसको हरा दे, सतर्क इसलिए रहना है कि आप भले गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे लेकिन आपसे अगर कोरोना किसी को हो गया, खास करके आपके घर वालों को, आपके माता पिता को जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या जिनको दूसरी बीमारियां हैं, कम उम्र के भी होंगे लेकिन दूसरी बीमारियां हैं, छत्तीसगढ़ में 34-36 साल के लोगों की भी मृत्यु हुई है क्योंकि उनके पास दूसरी बीमारियां थी, किसी को एचआईवी था, किसी को एड्स था, किसी को लुकेमिया था, दूसरी बीमारियां अगर आपको हैं और कोरोना आप तक पहुंच जाता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। कोरोना मान के चलिए कि आप तक पहुंच चुका होगा, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है कि हमारे माध्यम से दूसरे को ना हो। इसीलिए मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बना के रखना, बार बार मौका लगे तो साबुन से 20 सेकंड 30 सेकंड तक हाथ को धोना, ये सारी बातें इसीलिए कही जा रही हैं।